हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रसमलाई बनाना बहुत आसान है, घर पे आप इजीली हलवाई के जैसी रसमलाई बना सकते हैं। सिर्फ दूध के साथ हम इसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1.25 लीटर दूध लिया है, जिसमें से 1 कप दूध मैं निकाल दूँगी और बाकी का मैं छेना बनाऊँगी। और ये दूध मैंने पैकेट वाला लिया है, जो थैली वाला दूध आता है, काऊ मिल्क वो वाला जो घरों में हम यूज़ करते हैं, ये वाला दूध मैंने यूज़ किया है इसमें। तो इसमें से 1 कप दूध हम निकाल देंगे। 1 बड़ा कप मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अब इसको मैं गर्म करूँगी। साथ ही हमें विनेगर चाहिए छेना बनाने के लिए। विनेगर, ये वाला विनेगर, वाइट वाला विनेगर आपको चाहिए। आप नींबू से भी छेना बना सकते हैं, लेकिन विनेगर से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैं 2 चम्मच विनेगर ले रही हूँ। 2 चम्मच विनेगर के साथ हम यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे। और अब दूध को बॉयल होने देते हैं। इसे हम बना के रख लेंगे और दूध को बॉयल होने देते हैं। तो ये देखिए, दूध में बॉयल आने लगा है। बस दूध में बॉयल आ गया है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। तकरीबन आधा मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देते हैं। और उसके बाद हम इसमें ये विनेगर, जो पानी और विनेगर का हमने मिक्सर तैयार किया है, वो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ सारा यूज़ नहीं करना है आपको, ये मिक्सर थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जिससे छेना बहुत अच्छा बनता है, दूध अच्छी तरह से फट जाता है। ये देखिए, दूध फटने लगा है। अब इसमें बाकी का बचा हुआ डालते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स में ये दूध आपको फटा हुआ नज़र आने लगेगा, एकदम अच्छी तरह से फट जाएगा, ये देखिए। और अब इसको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छानने के लिए एक कपड़ा लिया है, कॉटन का किचन टॉवल लिया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं। और उसके नीचे मैंने एक बड़ा बाउल रखा है। और अब इसमें हम इस छेने को छान लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा छेना ऊपर आ गया है कपड़े में और नीचे जो है इसका पानी आ गया है। इस पानी को आप चाहें तो आटा गूंदने में या किसी भी दाल सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको हम वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से। ठंडे पानी से हम इसे वॉश कर लेंगे, जिससे विनेगर का टेस्ट जो है इसके अंदर से निकल जाएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से 2-3 बार इसे वॉश करना है। और उसके बाद हम इसको इस तरह से एक पोटली बनाएंगे, इस तरह से नॉट लगाएंगे और ऊपर एक नॉट लगा देंगे, जिससे इसे हैंग करने में आसानी रहे। और इसे हम नल के पास से टैप पे कहीं भी इसको इस तरह से लटका देंगे, जिससे इसका पानी जो है निकल जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से हैंग करेंगे। 15 मिनट के बाद हम इस छेने को ओपन कर रहे हैं। तो इसमें से सारा पानी निकल चुका है, थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर रह जाता है, हल्का सा इसमें मॉइस्चर भी होना चाहिए, जिससे ये अच्छा सा डो बन के तैयार होगा। तो अब इसको हाथों से इस तरह से, हथेली से इस पोर्शन से हम इसको रब करेंगे इस तरह से। और साथ ही में हम इसमें 1 चम्मच सूजी ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको रब करेंगे तकरीबन 6-7 मिनट के लिए हम इसे रब करेंगे ये, जिससे बहुत ही स्मूथ बन जाएगा। छः सात मिनट इसको रब करना है आपको, और उसके बाद ये स्मूथ बन जाएगा। और उसके बाद हम इसका एक छोटा सा बॉल बना के देखेंगे। ये देखिए, ये रसगुल्ले बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब इसके हम छोटे छोटे इस तरह से गोले बनाएंगे। पहले मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ। एक जैसे ही बनाने हैं हमें, तो मैंने इतने ही में ये हमारे 6 रसगुल्ले बनके रेडी होंगे। बड़े बड़े बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो जिस तरह से रसमलाई का साइज़ होता है, बिल्कुल उसी तरह से हम इसका साइज़ रखेंगे। तो पहले मैं इसको गोल बना के रख लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारे बना के रख लूँगी।
और उसके बाद हथेली के बीच में हम इसको रख के इस तरह से प्रेस कर लेंगे। हल्का सा इसको चपटा करना है और ये जो क्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं साइड में, हम इसको भी बाद में सही करेंगे। तो इसको हम पहले बना लेते हैं इस तरह से। अब हम इसको साइड से इस तरह से, इसके जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहे थे फटे हुए, उसको भी हाथ से इस तरह से सही कर लेंगे, थोड़े चिकने कर देंगे। और उसके बाद हम चाशनी बनाना शुरू करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप चीनी ली है और इसमें तकरीबन 5 कप पानी ऐड करूँगी। तो ये हमने 5 कप पानी ऐड कर लिया इसमें और अब इसे बॉयल होने देते हैं। इसमें हम 1 इलायची तोड़ के डाल देंगे। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो बस अब इसको हम बॉयल होने देंगे। चीनी को मेल्ट करना है हमें। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें हमारी ये रसगुल्ले जो रस मलाई के लिए तैयार किए हैं वो ऐड कर देंगे। तो इसमें बॉयल आ गया है, अब इसमें हम सारे रसगुल्ले जो हैं ऐड कर देंगे रस मलाई के। और फ्लेम को आपको हाई रखना है जब तक आपकी ये रस मलाई बन के रेडी होगी, तब तक आप फ्लेम को हाई रखेंगे। अब इसे कवर कर देते हैं और कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे पकने देते हैं। और ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी जो रसमलाई, जो रसगुल्ले हमने बनाए हैं वो फूल के डबल हो गए हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप इसे बनाएं तो इसका साइज़ का आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की ना बनाएं, ये फूल के और बड़ी हो जाती हैं। तो अब इनको हम थोड़ा थोड़ा करके फ्लिप कर देंगे। बहुत ही केयरफुली करना होता है क्योंकि ये अभी बहुत नरम होती हैं। तो ये मैंने फ़्लिप कर दी हैं, अब इनको कवर करके फिर से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट बाद फिर से मैंने इसे ओपन कर लिया है और आप ये देख रहे होंगे ये चाशनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है पहले से, और ये हमारी जो रसगुल्ले हैं रसमलाई के वो भी अच्छे से फूल के तैयार हो गए हैं। तो इसे अब ओपन करके मैं थोड़ा सा और पकाऊँगी और उससे पहले मैं इसमें 1-1 चम्मच करके पानी ऐड करूँगी, जिससे ये थोड़ी सी चाशनी गाढ़ी हो गई है वो थोड़ी सी पतली हो जाए। लेकिन आपको फ्लेम को हाई रखना है और इसका टेम्परेचर लो ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत कम पानी डालना है, 1 टेबल स्पून पानी डालना है। इस तरह से आपको एक थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इसमें। एक बार और फ्लिप कर लेते हैं इनको। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, उसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। इसकी चाशनी फिर से पतली हो गई है, अब इसको पकने देते हैं। 2 मिनट के लिए और पका लेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे। तो बस ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके हम इस चाशनी में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे, अलग बर्तन में डाल देंगे। अब हम रबड़ी बनाएंगे इसके लिए, यानी रस मलाई के लिए मलाई तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 1 कप दूध निकाल के रखा था, ये बड़ा कप है तो इसको मैंने रख दिया था निकाल के। अब इसको हम बॉईल करेंगे। 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे इसमें, आपको जितना मीठा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना मीठा रख सकते हैं। थोड़ा सा सैफ्रॉन ऐड करेंगे, केसर के धागे थोड़े से आप ऐड कर दें, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, कलर भी अच्छा आएगा। और इसे अब बॉयल होने देते हैं, और चाहें तो आप दूध में थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 चम्मच के करीब। तो अब इसको बॉयल होने देते हैं। इलायची पाउडर डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं।
तो जो साइड में मलाई जम रही है उसको हम इस तरह से स्क्रैच करके मलाई के अंदर डाल देंगे और इसे हल्का सा रिड्यूस होने देंगे। बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है, थोड़ा सा ही रिड्यूस करना है इसे। तो ये देखिए हमारा जो दूध है वो बिल्कुल तैयार हो गया है रसमलाई के लिए। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है, सिर्फ इतना ही हम इसे पकाएंगे जिससे हमारी जो रसमलाई है वो अच्छी तरह से इस मिल्क को सोक कर पाएँ। तो अब इसको फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और इसको भी ठंडा कर लेते हैं, हल्का सा ठंडा करना है। तो ये देखिए हमारी रसमलाई, जो हमारे रसगुल्ले थे वो चाशनी में बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। और ये देखिए काफ़ी पहले बहुत सॉफ्ट लग रहे थे, अब थोड़े से ये हल्के से टाइट दिख रहे हैं। अब इसका जो शुगर सिरप इसके अंदर जो गई है उसे इस तरह से हम निकाल लेंगे, प्रेस करके बहुत हल्के हाथ से प्रेस करना है। और हल्का सा ल्यूक वॉर्म है ये मिल्क, अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अंदर हम ये सारे इसकी चाशनी निकाल के हम इसे इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसी मिल्क में पड़ा रहने देंगे जिससे ये अच्छी तरह से मिल्क को सोक कर लें और हमारी रसमलाई एकदम अच्छी सॉफ्ट फुली फुली और स्पॉन्जी बने। तो ये देखिए हमारी रसमलाई बनके रेडी है। अभी मैंने इसे 2 घंटे के लिए और रखना है, अभी ये मैंने सिर्फ दूध में डाल के आपको दिखाई है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रख देती हूँ और 2 घंटे बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। 2 घंटे हो गए हैं और हमारी रसमलाई सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी है, मार्केट के जैसी हलवाई स्टाइल बिल्कुल। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें रसमलाई, आप घर पे बहुत आसानी से बहुत ही अच्छी रसमलाई बना के रेडी कर सकते हैं। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।